तो देखते हैं मम्मी का वेट कितना है। अभी मुझे ऐसी याद आएगी, मैं कहा मम्मी ने वेट करना था। कितना है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, जैसा आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि लास्ट श्राद्ध खत्म हो चुका है और आज से शुरू हो चुके हैं नवरात्रे। तो आप सभी को इस नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए मैं टेरिस आया था योगा एक्सरसाइज के लिए। मेरा योगा एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो चुका है, अभी नीचे जाके देखता हूँ बाकी लोग क्या कर रहे हैं। नेहा भी मेरे साथ ही है। तो सबसे पहले इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। कुछ दिनों से शिमला का मौसम जो है ना वो है बिल्कुल साफ, काफ़ी अच्छी धूप लगती है और शाम को हल्की हल्की ठंडी हवाएं शुरू हो जाती है। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। आसपास का एरिया देखो आप, कितनी अच्छी धूप लगी है सुबह से ही, और अभी 9 बज रहे, प्रॉपर धूप आ गया आसपास वाले एरिया में, और हमारे बिल्डिंग के पीछे भी काफ़ी अच्छी धूप निकल चुकी है। नेहा आ गई थी थोड़ा सा योग एक्सरसाइज करने। हो गई आपकी? लो चाचू की पूजा भी हो गई सुबह सुबह। चाचू तो आज जल्दी जल्दी ऑफिस निकल गए। तो ये किसका शंक है? चाचू का ही है, पर चाची शायद बस में गए आज। अच्छा, मम्मी बोल रहे थे ना हाँ, पहले निकल गए शायद, उनका कुछ काम था। ठीक है, बस अब हम भी जाते घर और मैं भी धूप जलाता हूँ। हमें भी कुछ काम से बाहर जाना है। वैसे ओ, तो अच्छा। मम्मी को भी जाना था पर मम्मी को अपॉइंटमेंट नहीं मिली, तो हम शायद परसों जाएंगे। तो फिर मैं तो चली जाती हूँ। मेरा तो ये कि जल्दी जल्दी, जितने जल्दी मैं अपना काम निपटा लूँ मेरे लिए अच्छा, क्योंकि कल हम लोगों को हॉस्पिटल जाना है। तो 8th मंथ का जो चेकअप है नेहा का, लास्ट है। लास्ट है, वैसे 9th में भी होता है, पर आई थिंक अल्ट्रासाउंड तो मुझे लगता है लास्ट है। वैसे इतना आइडिया हमें भी नहीं है, पर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब मैं मतलब प्रॉपर मेरा बेबी बन गया होगा ना, तो मैं अब देखूंगी जो दिखाएंगे। पहले तो बड़ा छोटू छोटू सा था, अब पता नहीं कल ही पता चलेगा। अब मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि मैं तो साथ ही दे सकता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता। बट नेहा कुछ दिनों से मुझे दिखा रही थी कि कुछ एक जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना पेट में, वो एक जगह पे फील होता है। हाँ, जैसे पैर हो गए, हाथ हो गए, आपकी एल्बो हो गई, तो वो फील होती है। तो कल मैं फील कर रहा था, मेरे को काफी अच्छा लगा। और मैं नेहा को कह रहा था, मैं कहा ये वाला पार्ट भी मैं मिस करूंगा जब बेबी पेट के अंदर है। मैं खुद अपना जो टमी है वो मैं खुद मिस करूंगी कि बेबी अंदर क्या कर रहा है या कुछ है। अक्षय को बोलती लास्ट मंथ है जब हम लोग ऐसे मतलब देख रहे हैं। उसके बाद हम पेरेंट्स बन जाएंगे, फिर हमारी लाइफ का एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट शुरू हो जाएगा। हाँ, चलो फिर चलिए नीचे। गुड मॉर्निंग मम्मी। मम्मी तो काम करके फ्री हो गया और अब मम्मी हमारा व्लॉग देखते हैं। तो आपने चलना है संजौली तक? जा रहे हम? नहीं बेटा, मैंने क्या करना है ऐसे। तो पास हाँ, मम्मी का थोड़ा काम था, क्लिनिक जाना था पर अपॉइंटमेंट नहीं मिली, तो मम्मी ने बोला चलो, नहीं तो चलो हम लोगों ने भी वापस आना है थोड़ा सा काम करके। आप जाओ बेटा, आप थोड़ा रेस्ट कर लो। कोई नहीं, ठीक है। तो फिर कितना टाइम लगेगा? बस 5 मिनट। अक्षय थोड़ी अपनी कटिंग कर रहे हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा बुढ़ापा छुपा रहे। यार ये जो देखो एक्स्ट्रा हेयर्स है। अब तो आपको वैसे भी बेबी हो जाएगा, पाप बनने वाले हो, तब चल पड़ेंगे वाइट वाला। मैं अनऑफिशियल पहले से घूम रहा हूँ, इसके बाद ऑफिशियल घूमूंगा। हाँ, बस ऐसे थोड़ी थोड़ी सी कर रहे हैं अक्षय। वैसे खुद से तो होती नहीं इनकी भाई, बहुत मुश्किल हो जाता है। बस मैं थोड़ा थोड़ा सा कर रहा हूँ, फिर अपनी एनिवर्सरी भी आने वाली है तो उसका वैसे अभी तक कोई प्लान नहीं है क्योंकि हमें खुद नहीं पता है, अभी पहले डॉक्टर से पूछेंगे क्या है। हाँ, क्योंकि अगर डॉक्टर ने मना किया तो फिर मैं और अक्षय कुछ नहीं उस दिन, क्योंकि करवा चौथ भी है ना 20 को, तो आधे से लोग तो बिजी होंगे। चलो देखते हैं, और आप फ्रेश हो जाओ, मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। मैंने मम्मी को भी पूछा था पर वो मना कर रहा है कि मैं रेस्ट करूंगी बेटा, मैंने क्या करना है। ठीक है, मम्मी परेशान हो जाएंगे। हाँ, मुझे भी जाना नहीं है। आप लोग बोलते हो ना कि आप मम्मी को ले जाया करो, वो अकेले होते हैं, मम्मी को पसंद नहीं है। मम्मी को मुश्किल से ले जाना पड़ता है, वो खुश रहता है घर पे ही। अगर कभी काम हो तभी जाना पसंद करते हैं बाहर। तो उनका क्लिनिक का था वैसे, डेजीडी के क्लिनिक का, पर अपॉइंटमेंट नहीं मिली, तो 2-3 दिन में अक्षय लेके जाएंगे उनको। है भाई, ले जाओगे? 2-3 दिन में बोला है, देखते हैं, रहने चाहिए मम्मी तब तक। हाँ ये है। ठीक है मम्मी, बाय बाय। आए हम थोड़ी देर में। कोई नहीं। तो आप बैठो धूप में। और छोटा जैसा बच्चा बोलो कोई रोने लगे, तो चलना है आपने तो चलो, घूम फिर के आ जाएंगे। क्या क्या ही करना। चलो तुम्हारे तो काम है, चलो जाना पड़ता है। ठीक है, तो मेरा क्या, चलो अगर तो काम हो ना तब तो जाना पड़ता है। चलो ठीक है, फिर हमें ना थोड़ा धूप से। हाँ, तो जाने के लिए हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। नेहा का आउटफिट ये रहेगा, बिल्कुल आसमान लग रहे हो तुम। देखो बताओ, नहीं लग रही आसमान? हाँ। और ये देखो, ये इधर भी ऐसा है, इधर भी ऐसा ही है। तो
हम लोग ने कोशिश करी है कि हम जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ। मम्मा भी अकेले, उनको मैं चलने को बोला था, पर बात भी सही, अब जब काम ना हो ना तो बंदे का मन वैसे नहीं करता। मम्मी वैसे ही थोड़े दिन के लिए रेस्ट करने आए हैं, तो अभी हाँ हुआ है मेरे साथ। तो अभी हम बता दें आपको कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं नेहा के टेलर के पास, और वहाँ क्या काम है वहाँ नेहा खुद ही बताएगी आपको। मेरा काम है नेहा को लेके जाना, क्योंकि काफी टाइम से जाना था। टाइम है तो मैं जा सकती हूँ, तो मैंने उनको सूट दिए थे, तो उनके पास कोई और भी सूट आया है जो हम सर्दियों में गाँव में पहन सकते हैं, तो उन्होंने बोला था एक बार आप देख लो, अगर मुझे कोई और ठीक लगता है तो फिर मैं एक्सचेंज कर दूंगी, नहीं तो बस फिर जाके मैंने उनको सूट सिलने को बोला है कि 2-3 दिन में सूट दे देना, ताकि मेरे पास मेरा पूरा मटेरियल रहे, इधर उधर जाने की मुझे जरूरत ना पड़े। तो हमारी मैक्सिमम शॉपिंग हो चुकी है, नेहा का थोड़ा सा ये सर्दी में गर्म जो सूट है उसका काम है, जाएंगे बीच में जो थोड़ा बहुत और बचा, हाँ जो थोड़ा बहुत और बचा है उसके लिए जाएंगे, जो आज है वो नेहा के गर्म सूट का काम है उसके लिए जा रहे हैं। और हमने विशाल जाना है थोड़ा सा सामान। ठीक है, तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं संजौली, और आज संजौली काफी खिलता हुआ। ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए जो मिस करते हैं संजौली को, तो कुछ टाइम तक दिखा सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग भी गांव चले जाएंगे, तो आपको काफी टाइम तक संजौली देखने को नहीं मिलेगा। तो हमने सोचा कि जब आए हैं तो आपको चहल पहल दिखा देते हैं, और हमें जाना है अभी ढली, तो उसके लिए संजौली जरूरी है क्रॉस करना। इसलिए धूप इतनी तेज है ना, पर ठंडी ठंडी हवा भी चली है, तो सर्दी का मेरे को लगता है घास हो चुका है। सही बात है, और रात को तो इतनी ठंडी हवाएं चलती है ना, क्या बताएं आपको। तो जी नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, नवरात्रे स्पेशल में देखो हर जगह शॉप में चुनरी है। हर एक शॉप छोड़ के हर तीसरी दुकान में चुनरी है। ये देखो नवरात्रों का आगाज हो चुका है। तो पहुंच चुकी हूँ जी मैं ढली, तो मैं जा रही हूँ परे जहाँ देखी शॉप है, और वैसे घर पे ही उनकी शॉप है। अक्षय लगा रहे हैं गाड़ी, क्योंकि उनको टाइम लगेगा, यहाँ पे पार्किंग भी नहीं मिलती, तो बस 5-10 मिनट का काम है। बस सूट देखना ही है, जो अच्छा लगेगा वो मैं सिलने को बोल दूँगी, तो आई होप बस वहाँ होने चाहिए वो, अगर वो चले गए होंगे तो मेरे को मुश्किल हो जाएगी। अभी मैं पार्किंग में खड़ा था, मुझे आवाज़ आई, तो मैंने देखा नीचे एक ना झांकी चल रही है, देखो कितना बड़ा काफिला है, और माता रानी जा रहे हैं। जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना है। देखो पालकी भी है साथ में, जय हो। अब ये पता नहीं देवता महाराज की है या माता रानी की पालकी है, जो भी है जय हो, सब पे कृपा बनाए रखना, जय हो। तो यहाँ पार्किंग से जो ढली है ना, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये देखो ढली के पीछे जो ये जंगल है, काफ़ी घने जंगल है, तो मैंने सोचा आपके साथ ये व्यू शेयर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे नेचर लवर्स भी है जो नेचर और अच्छे व्यू को पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए कैप्चर कर लेता हूँ। ये देखो ये इस तरफ को है फागो कुफरी, तो जाएंगे कभी बीच में मौका मिलेगा तो ज़रूर। तो यहाँ बैठे बैठे मैंने एक और चीज़ नोटिस की है इस जंगल में, देखो जंगल के बीचों बीच एक लाइन है, देखो ऐसा लगता है कि यहाँ से पानी बहता होगा या फिर गैप है यहाँ पर। और ये जो पीछे जंगल है हसन वैली का जंगल है, और काफ़ी घना जंगल है, और इसी जंगल से जो है ना हसन वैली की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद नेहा वापस आ चुकी है, आई होप अच्छी रिपोर्ट हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बनाने को बोल दिया। ओ नया कुछ पसंद आया? नहीं था कुछ खास, नहीं सेम ही फीस थे। अच्छा, जो पहले लिए थे ना वो टाइम से ले लिए, वो ठीक थे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अक्षय ने बोला कि मम्मी के लिए भी देखना, पर नहीं थे। वैसे मैं फोटो लाई हूँ, मम्मी को दिखा देंगे, अगर उन्हें अच्छे लगे तो ये फिर डेजी दी के क्लिनिक में रख देंगे, नहीं लगे तो फिर ठीक है। वैसे मम्मी के सूट थे, मतलब मेरी मम्मी के, हमारे किसी की शादी आ रही है तो मम्मी ने 3-4 सूट दे रखे हैं, तो उनका ये था कि पहले मेरे सूट पूछ लियो, पर इन्होंने बोला कि चलो मैं बना दूंगी। मैंने इसे भी ये बोला कि अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ये शारजा दी के क्लिनिक में रख देंगे, फिर वहाँ से तो कोई भी, हाँ वहाँ से कोई भी उठा देगा। तो चले अब, चलो अभी कहाँ जाना है? विशाल में कमाल, थोड़ा सा ठीक है ठीक है। विशाल तो हम लोग आ गए, पर यहाँ पार्किंग के बड़ा पार्किंग का बड़ा इशू रहता है। अच्छा मिल गई, नहीं नहीं वाह, एक वैगू के साथ दूसरी वैगू लगा दो, HP अच्छा हमारे HP 60 थी, HP 9 बोलने वाली थी तो हमारे को यहाँ पार्किंग मिल गई है। वैसे बहुत मुश्किल से मिलती है, पर अभी भैया निकले हैं तो इनके साथ हम भी लगा देते हैं। भैया निकले पे निकले हैं ना, दो गाड़ियों की जगह तो है, तो हम विशाल पहुंच चुके हैं, फटाफट काम करते हैं, ज्यादा नहीं है, एक दो चीजें लेनी है फिर निकलते हैं। आज हम इतने सुबह आ गए, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे है, अंदर है, बाहर तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, नहीं तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होते हैं बैठे हुए। चल ये है कि जल्दी हो जाएगा अपना काम। ऐसा हो सकता था कि हम विशाल आए और किड सेक्शन में ना घुसे, अब तो सबसे ज़्यादा यहीं पे ही हाजिरी लग रही है। अब यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो आप, कैप?
पर मेरे को नहीं लगता 0 to 6। चलो मैं भी हेल्प करता हूँ आपकी। ये देखो ऐसे ढूंढना पड़ता है इसमें खजाने में, फिर जाके मिलता है कहीं। तो हमने सामान तो ले लिया थोड़ा बहुत जो लेना था, कुछ घर का था कुछ गांव का था, और अभी कुछ सामान और देखना था वो अच्छा लगा नहीं, तो हमने सोचा कि चलो फिर कभी आएंगे क्योंकि लेना तो है ही। हाँ, अगर जो चीज अच्छी नहीं लगी तो फिर वो क्यों लेनी। तो अभी दिवाली भी आ रही है तो उसके नजदीक हाँ। आएंगे हम। बाकी बेबी सेक्शन में इसलिए गए थे क्योंकि हमें ना वार्म टोपी चाहिए थी बच्चों के ना, क्योंकि हाँ। गांव में ठंड होती है, हमें कहीं भी नहीं मिलती। यहाँ पे अभी बड़ी थी, यहाँ पे साइज नहीं, एक्चुअली 0 to 3 months ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला हमें, 0 to 6 months वाले काफी ज्यादा मिल रहे थे, तो वो थोड़ा साइज बड़ा था। चलो ले जाएंगे कुछ टाइम में, क्योंकि बोलते हैं कि पहले कॉटन की टोपी बना लो, उसके ऊपर आप वार्म टोपियां बना सकते हो। तो और यहाँ ऐसा भी होता होगा जैसे स्टॉक आया ना वैसे ही खत्म हो जाता होगा, और हम लोग हमेशा ही लेट होते हैं, पर अगली बार देखेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी आने की। हाँ, अभी हम घर चलते हैं क्योंकि बहुत तेज धूप है। सही बात है, गाड़ी बहुत गर्म हुई है। हाँ, मम्मी को भी कॉल करते हैं कि उनको कोई सामान तो नहीं चाहिए। तो हम लोग विकास नगर पहुँच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने, क्योंकि काफी मन कर रहा है मेरा भी और नेहा का भी, तो सोचा मन क्यों मानना। ये जो बच्चा है ना ये हमें बोल रहा है कि ये हमें जानता है। तो हेलो 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 कर दो, हेलो। कैसा है, टेस्टी? कैसा लगा, खाना बढ़िया? तो भाई गोलगप्पे खा गया ना, मजा आ गया। आपको कैसे पता था कि गोलगप्पे खाने, ऐसा मन कर रहा था आपका? मेरे को एकदम दिखा, मेरा वैसे ही मन किया, मैं क्या पता नहीं नेहा खाएगी कि नहीं, इसने खुद ही बोल दिया कि गोलगप्पे खाने में कबा। पहले ना मेरा खाने का मन नहीं करता था, पर अब 7-8 months से ना मेरा बहुत मन कर रहा है। और इसका इनका जो पानी होता है गोलगप्पे का, बड़ा टेस्टी, वेरी चटपटी, मजा आ गया, आंखें खुल गई है। अच्छा मैं गाड़ी ले गया। तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं। मम्मी बोर तो नहीं हो गया अब? कोशिश तो हमने ये की कि हम जल्दी जल्दी जाए और जल्दी जल्दी आ जाए वापस। बोर क्यों होते बेटे, अपने घर में। तो हमें थोड़ा सा टाइम जो है विशाल मेगा मार्ट में लगा, वहाँ से हमें थोड़ा सा सामान चाहिए था और थोड़ा बहुत और है, वो कभी और आते जाते हुए देखेंगे। तो आज हमने फिलहाल थोड़ा बहुत तो ले लिया है। हाँ जी, गर्मी कैसी है? बहुत बढ़िया ना भाई, बाहर मम्मी इतनी गर्मी थी, गाड़ी में आते जाते हुए बड़ी गर्मी लग रही थी। सही बात है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही बाहर जाओ बहुत थक जाता है ना, ऐसा लगता है पता नहीं क्या करके आए हैं, इसलिए भूख भी लग गई है, लंच टाइम हो चुका है। गोलगप्पे हमने ना कम खाए और हम पैक करा के लाना चाह रहे थे, वो करता हाँ। नहीं है, नहीं उन्होंने बोला तो था पर वो फिर वो मजा नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा कि मम्मी को जिस दिन बाहर लेके जाऊंगा ना उस दिन मम्मी को। अरे नहीं मम्मी चलो मजा आता है कुछ। हाँ मम्मी को भी खाने को, बस मम्मी ने लंच बना दिया तो लंच खाते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं। और आप देखो ये वाले रूम में इतनी तेज धूप लगती है ना, सिद्धि। हाँ कपड़े में लगी है मेरे, तो नींद तो मुझे आई नहीं, मैं और मम्मी तो नहीं सोए, अक्षय तो तब थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो शाम भी हो रही है और चाय भी लगा दी बनाने को और साथ में ब्लैक चने। तो मम्मी काफी टाइम से बोल रही थी कि मुझे अपना वेट करवाना है, तो मैं देखती हूँ मम्मी का वेट कितना और मेरा कितना वेट है, तो देखते हैं मम्मी का वेट कितना है। अभी मुझे ऐसी याद आया कि मेरा मम्मी ने वेट करना था, कितना है, कितना दिखा, 68। मान गए मम्मी ने 5-6 kilo घटा दिया, वाह। मैम मम्मी 72 थे आप? 74 थे, 73 थे शायद। ओ यार 4-5 kilo घटा दिया। अब मैं अपना देखती हूँ जरा मैंने कितना गेन किया, दिख नहीं रहा है इसमें। ओ भाई 60। मैंने 9-10 kilo गेन किया, मतलब मैं 51 थी शायद जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, तो 60 मतलब वही रखो आप 9-10 kilo ठीक है। ओ 61। पर मैं आपको मान गई मम्मी, मम्मी सुबह सुबह एक्सरसाइज और योगा करते हैं और अच्छी बात है, मम्मी 68 में आ गए। अक्षय को बताती हूँ, मैं खुश हो जाएंगे। पता क्या बेटे, घर में काम भी होता है। हाँ ये तो है, यहाँ क्या काम होता है, कुछ भी नहीं है, कमरे में झाड़ू है, वो तो है। आज मैं तो ये यहाँ क्या काम होता, थोड़ा अभी साफ सफाई, कुछ योगा एक्सरसाइज, फिर
खाने में मैंने थोड़ा मम्मी ने खाने में भी परहेज किया और गांव में वॉक करने के लिए भी खुला है ना, यहाँ जगह नहीं है इसीलिए। चलो चाय बन गई, मैं चाय लाती हूँ। तो अभी हम लोग आए हैं टेरिस थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड करने, और यहाँ पे देखो सामने हो रहा है खूबसूरत सा सनसेट और काफी अच्छा व्यू आ रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ इसी के साथ आज के इस व्लॉग को भी यहीं पे खत्म करता हूँ, और इस खूबसूरत व्यू के साथ आपको भी बाय। इसी के साथ अब मैं सोच रहा हूँ कि इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलूंगा कल आपको नए व्लॉग में। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो आज के व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले व्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।